जेसीबी रोबोट भूमिगत ट्रेन शहर से देश का सोना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले थे। सोने को पूरी ईफा झट के साथ भेजना था। पुलिस भी पूरा इंतजाम किया था। वो सोना एक ट्रेन से भूमिगत से जाने वाला था, पर उसके साथ कोई पुलिस फोर्स नहीं। इसे देखकर पुलिस सुरक्षा अधिकारी महेश से कहता है, सर इतना सारा सोना और बिना कोई पुलिस फोर्स हम कैसे भेज सकते हैं? ऊपर से ये बात सबको पता चल गई तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि हमारे देश सोना सही सलामत रहेगा। जतिन तुम्हारी चिंता जहीस है, पर मैं उसका इंतजाम करके रखा है और देश का सोना चुराना इतना आसान नहीं है। तुम घबराओ मत। उधर सोने की बात एक बड़े से चोर गैंग को पता चलता है। गैंग का सरदार गबर बड़ा चालू इंसान था। उसका एक खास आदमी था गोपी। वो गबर से कहता है, सरदार इतना सारा सोना हमारे हाथ नहीं लग सकता। पुलिस भी अच्छी उपाय निकाला है। सोने को एक भूमिगत ट्रेन से भेज रहे हैं ताकि हम चुरा ना पाए। गोपी की बात सुनकर सरदार हंसने लगता है। तब फिर से गोपी कहता है, अरे सरदार मैं इतनी गंभीर बात कह रहा हूँ और आप हंसते जा रहे हो। मैं क्या मजाक सुना रहा हूँ? तुम बड़े मजाक ही हो गोपी। ऐसी बातों में निराश नहीं बल्कि उपाय पहले से ही ढूंढना पड़ता है, जो कि मैं घूंग लिया है। मतलब सरदार क्या करने वाले हो आप? बस कल तक इंतजार करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। दरअसल सरदार को ये बात पहले ही पता चलती थी, इसलिए एक इंजीनियर से एक जेसीबी रोबोट बनवा लिया था। वो जेसीबी रोबोट बड़ा शक्तिशाली रोबोट था। जेसीबी रोबोट तैयार हो जाता है और सरदार के पास लाते हैं। गोपी से कहता है, अब हम कुछ नहीं करेंगे बल्कि जेसीबी रोबोट ही करेगा। ये जाकर सारे सोने को चुराएगा और हमारे पास आएगा। लेकिन आखिर कैसे? ये रोबोट एकदम हमला नहीं करेगा, बीच में भूमिगत ट्रेन पर हमला करेगा। जेसीबी रोबोट के लिए ये आसान है, तब बड़ी से बड़ी पुलिस फोर्स भी नहीं रोक सकेगी और हम सोना छूने में कामयाब हो जाएंगे। सरदार का ये प्लान सुनकर गोपी खुश हो जाता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन सोना एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला था। सारा सोना ट्रेन में रखा जाता है, बस एक डिब्बा खाली रहता है। तब जतिन महेश से कहता है, सर ये एक डिब्बा खाली क्यों है? क्यों लगाई है ये ट्रेन के साथ? मैं अभी भी सारा सोने की रक्षा करने के साथ भेज देंगे। हम पुलिस अपनी जान लगाएंगे सोने की रक्षा में। अरे यही तो असली डिब्बा है, यही हिफाजत करने वाला है। तुम अब झड़ मत करो और जाओ, ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देने का वक्त आ गया है। जतिन को महेश का फैसला पसंद नहीं है, पर उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए चुपके से वो ट्रेन में रहता है। ट्रेन सोना लेकर निकल पड़ती है। दूर पर जेसीबी रोबोट जमीन पर गधा बन रहता है। ट्रेन भूमिगत वहां स्पीड से जराई थी। ट्रेन आकर चली भी गई और जेसीबी रोबोट ऊपर गड़ा बनता रह गया। ये सब सरदार अपने लैपटॉप में देख रहा था। तब गोपी कहता है, सरदार ये जेसीबी रोबोट की बड़ी गुनगान कराए थे। देखो ये क्या कर रहा है, इसका पावर दिखाया दिया है। ट्रेन आकर चली भी गई और ये गड़ा खोद रहा है, पीछे रह गया है ये तो। हमसे सरदार को गुस्सा आता है। गोपी बंद कर अपनी बत्ती सी, नहीं तो हमेशा के लिए मुंह बंद करूंगा
और मैं कामयाब नहीं हो सकता, कभी नहीं। सरदार जेसीबी रोबोट को एक कमांड देता है। जेसीबी रोबोट ट्रेन के साथ भागता है और पूरा कवर इस्तेमाल कर गधा बनाता है। गड़े में से पटरी पर आ जाता है, हमला करने के लिए तैयार होता है। हेलो सर, मैं ये ट्रेन में हूँ, बड़ी समस्या आ गया है सर। अरे बेवकूफ जतिन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, वो भी किसी को ना बता, समस्या क्या है? एक जेसीबी रोबोट सोना चुराने के लिए खड़ा है सर। मेरे साथ कुछ लोग होते तो गोलियां मार देता रोबोट को, लेकिन अकेले क्या करूँगा? तुम चिंता मत करो, मुझे ऐसे ही होती पूरी जानकारी थी, अब देख मैं क्या करता हूँ। महेश अपना लैपटॉप खोलता है और कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करता है। तभी ट्रेन रुक जाती है और एक दीवा अपने आप निकल जाता है। देखते ही दीवा सुपर रोबोट में बदल जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई में जेसीबी रोबोट ज्यादा डर टिक नहीं पाता। सुपर रोबोट जेसीबी रोबोट को छुपा मरता है और सरदार के पास कंट्रोल चले जाता है। सरदार हार जाता है। सुपर रोबोट फिर से ट्रेन का दीवा बन जाता है, सही सलामत सोना पहुंचाता है। जतिन वो जगह पे आता है, तब महेश कहता है, सर सच में तुम ग्रेट हो, आज तुम्हारी वजह से सोना बच गया, तुम बहुत बड़ी होशियार हो। इस तरह देश की सोना चोरी होते हुए बच गया, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है।